पॉइंटिंग वेक्टर द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ पर यूनिट टाइम भी आएगा, इज नोन एज अ पॉइंटिंग वेक्टर। इन शॉर्ट, इस डेफिनेशन को छोड़ो, कितनी एनर्जी ईएम वेव की क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज पॉइंटिंग वेक्टर। आप कहोगे अरे ये तो सेम है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव क्या थी, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर सेम है। तो आप कहोगे फिर इंटेंसिटी कर देते, नहीं कर सकते, इंटेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉइंटिंग वेक्टर एक वेक्टर है। आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे यूज करना है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का प्लीज ये बॉक्स में फॉर्मूला याद करें, पॉइंटिंग वेक्टर को एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है। ये फॉर्मूला नोट करें पहले, ठीक है यहां तक। तो इस पॉइंटिंग वेक्टर के कॉन्सेप्ट में सिर्फ फॉर्मूला ही याद होना चाहिए और कुछ नहीं याद होना चाहिए, इसका प्रूफ तो आपको आएगा नहीं, पर हाँ मैंने प्रूफ करके जरूर दिया हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखो ये ऐसे प्रूफ आया, पर आपको नहीं करना। तो प्रूफ में क्या करना है, आपने एक ईएम वेव लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, और ये क्या आपका वेव प्रोपगेशन है। तो ये आपका ईएम वेव है और आपने इसका एक पोर्शन लिया और ईएम वेव ने ट्रेवल किया डिस्टेंस ऑफ डीएक्स, और ये इसका एरिया कितना है डीए। हमने इंटेंसिटी के प्रूफ में भी ये चीज़ें की थी, क्या किया था, इसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा सी इंटू डी टी, और इसका वॉल्यूम क्या होगा सी इंटू डी टी इंटू डी ए, तो इसका क्या आ गया स्मॉल वॉल्यूम आ गया। फिर इसके अंदर एनर्जी क्या होगी डी यू, एनर्जी होगी एनर्जी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, ये सारा हमने किया हुआ है, एनर्जी डेंसिटी आदि इलेक्ट्रिक आदि मैग्नेटिक। फिर हमने क्या किया हुआ है, ई का फॉर्मूला क्या होता है सी इंटू बी, और बी का फॉर्मूला क्या होता है ई बाई सी। तो हमने क्या किया, ई स्क्वायर को लिख लिया दो बार ई इंटू ई, और बी स्क्वायर को लिख लिया बी इंटू बी, इस एक ई को पुट कर लिया सी इंटू बी, और एक बी को पुट कर लिया ई बाई सी। तो यहां से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब आपको ये पता है कि जो सी होता है वन बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और सी स्क्वायर क्या होता है वन बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी स्क्वायर को लिखा सी इंटू सी, एक सी लगा दिया एप्सिलॉन नॉट के साथ और एक सी लगा दिया म्यू नॉट के साथ, तो यानी कि इस टर्म की जगह मैं पुट कर सकता हूं वन बाय म्यू नॉट सी, ये रहा। इसे ऐड किया, ऐड करके ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी हमने ये निकाल ली, वॉल्यूम हमारे पास डी ए इंटू सी इंटू डी टी था, सी से सी कैंसल, तो ये टर्म आ गई। एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नीचे ले आओ, तो इसको क्या बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, प्रूफ आ गया। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी इंटू म्यू नॉट। तो आपको प्रूफ नहीं करना, पर हाँ मैंने आपको बता दिया कि कैसे आया, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, बस आप सीधा न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता कैसा है। न्यूमेरिकल ये आया हुआ न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब देखो ना इसने क्या गड़बड़ कर दी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देता तो बात अलग थी, यानी कि ई वेक्टर बी वेक्टर देता, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ले लो 100 वोल्ट पर मीटर ई वेक्टर ई की वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है हिस्टैरिसीस में जाओ एच, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, क्योंकि वो एच दे रहा है उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, ये वो वाला एच दे दिया इसने, देखो ये गड़बड़ की ना, बी दे देता आसान हो जाता, तो उसने एच दे दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और आपसे क्या पूछ ली, मैक्सिमम एनर्जी। अब मैक्सिमम एनर्जी के यूनिट्स क्या दे रहा है, वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी या पॉइंटिंग वेक्टर के यूनिट्स हैं। अब या तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा लो, जो इंटेंसिटी की प्रॉब्लम होती है ना वो ऐसी नहीं होती, वो पता कैसी होती हैं, एक बल्ब है 3 मीटर तक वो लाइट को दे रहा है, एरिया निकाल लो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर, पावर ऑफ बल्ब, तो ये इंटेंसिटी का क्वेश्चन नहीं है। तो ये ई दे रहा है, ये बी दे रहा है, ई ई तो दे ही रहा है, एच उसने दे दिया, एच को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके बी दे दिया, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ई इंटू बी बाय म्यू नॉट, तो बी की जगह म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसल, तो सीधा ई इंटू एच करके आंसर आ जाएगा टन। तो पॉइंट समझ में आया, तो अगर ये क्वेश्चन एक बार ठीक है अगर कर रखा है, हो सकता है आप अगर रिपीट अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। नॉर्मली वेव की क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते हैं या प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, ये नहीं आपने करना, आपने अब ये करना है, इस क्वेश्चन का आंसर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो एवरेज वैल्यू इन प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
एवरेज वैल्यू जीरो किसकी होती है? जो चीज़ साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है। तो दोनों आंसर हैं इसके, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू जीरो होती है। ठीक है यहाँ तक? तो दोनों आंसर्स हैं इसका आंसर। और ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए हैं। देखो, एनर्जी कंटेंट इन अ स्मॉल वॉल्यूम थ्रू एन ईएम वेव इज पासिंग ऑसिलेट्स विद अ कौन सी फ्रीक्वेंसी? आप इस प्रूफ को तो छोड़ो, आप बस मुझे एक चीज का आंसर दो। कोई भी चीज़ जो पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक है, डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर उसका टाइम पीरियड टी है तो उसका एनर्जी का टाइम पीरियड क्या होगा? टी बाई टू। ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था एसी में। कैसे? एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो वापस एक्सट्रीम पे आ गई, फिर से मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी देर में आई? टी बाई टू। तो एनर्जी के टाइम पीरियड हमेशा पीरियोडिक मोशन में टी बाई टू ही होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो जब टाइम पीरियड टी बाई टू है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एनर्जी का टाइम पीरियड है वो पीरियोडिक मोशन के टाइम पीरियड से अधिक है? तो टी डैश एनर्जी का टाइम पीरियड है। टी डैश क्या होता है? टू पाई बाय ओमेगा डैश। टी क्या होता है? टू पाई बाय ओमेगा। टू से टू कैंसल, तो ओमेगा डैश क्या आएगा? ओमेगा डैश आएगा टू इंटू ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम हो जाएगी? डबल। तो ये शॉर्टकट याद रखना, अगर कोई चीज़ पीरियोडिक या पीरियोडिक मोशन में है टाइम पीरियड टी के साथ, तो एनर्जी का टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा? टी बाई टू, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डबल। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आंसर डबल द फ्रीक्वेंसी है। ये प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर शॉर्टकट लगाएंगे। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ प्लेट एरिया ए एंड अ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी इज चार्ज्ड बाय अ कांस्टेंट करंट आई। तो प्लेट्स जो हैं उसकी जो एरिया है वो कितना है? प्लेट का एरिया ए है, आई करंट जा रहा है। वो कह रहा है इसके बीच में एक सरफेस ले लिया जिसका एरिया आधा है, कितना? ए बाई टू। तो पीछे से करंट आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं निकालना, मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है जिसका एरिया कितना है? ए बाई टू। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पोर्शन का फ्लक्स क्या होगा? ई इंटू एरिया क्या? ए बाई टू। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। यार फ्लक्स ही आधा हो गया एरिया की वजह से, तो डी फाई बाई डी टी भी आधा हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट भी आधा हो गया। तो आंसर क्या आएगा? आई बाई टू। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एरिया अगर आधा करोगे, एरिया ए बाई थ्री करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी ए बाई टू या ए बाई आई बाई थ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि फ्लक्स इतने पोर्शन का ही निकलेगा, ई इंटू एरिया, एरिया आधा, डिस्प्लेसमेंट करंट भी आधा, क्योंकि फ्लक्स भी आधा। ठीक,